हम गांधीयन नेहरूवियन फिलॉसफी पे पूरा यकीन करते हैं और इस देश की जनता पूरी तरीके से सहमत है कि यही एक आइडियोलॉजी है जो इस देश को आगे लेके जा सकती है। और राहुल गांधी जी का यही कहना है कि हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना ठीक नहीं है, तो हम इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की जो हालात है उस हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा का एक उद्देश्य जो है उसको लेके आया गया। वोट नोट के लिए ये सब के लिए नहीं कर रहे। सद्दीन ओवैसी का लोकसभा क्षेत्र है तो ओवैसी साहब मुस्लिम लीडर, आप भी मुसलमान, तो राहुल गांधी क्यों फिर असद साहब? मुस्लिम लीडर कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि लीडर सबका होता है। मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं लीडर, मैं राजनीति में हूँ, अगर मैं लीडर होता हूँ या विधायक बनता हूँ, MP बनता हूँ, तो हमारे लिए सारे लोग, सारी आवाम, हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, देश की है, देश स्तर पे काम करना, तो हर आवाम हमारा अपना है, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। मैं चार मीनार पे खड़ा हूँ और वो असदुद्दीन ओवैसी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं भाषण में, लेकिन उनकी सरकार है, उनकी समर्थन की सरकार है, TRS की सरकार है। और KCR साहब को भी बताना चाहता हूँ कि ये चार मीनार देश की धरोहर है और देश से लाखों करोड़ों लोग डेली यहाँ देखने आते हैं, और इसकी हालात देख लीजिए, काइयां लगी हुई हैं, इससे आमदनी आती है सरकार को। और कश्मीर से, कन्याकुमारी से, मणिपुर से, नागालैंड से, बंगाल से, उड़ीसा से, मतलब कौन से ऐसे जगह से लोग नहीं आकर के यात्रा में जुड़ रहे हैं, मुझे बता दीजिए। यार आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। यात्रा चल रहा है, हैदराबाद में है और सद्भावना यात्रा 1990 में जब शुरुआत हुई थी उसी जगह पर राहुल गांधी जी अपने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करे। कई सारे हमारे साथी है जो भारत यात्री है और सभी लोग इस यात्रा में पिछले कैसरा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, तमाम लोग मौजूद थे और आज जिस तरह से 55वां दिन खत्म होने को है तो अब यात्रा में किस तरह का ऊर्जा और जोश दिख रहा है, तो सभी लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए, क्या नाम आपका? अनुलेखा। अनुजी, तो ये बताइए कि यात्रा चल रहा है, 55 दिन हो गया, आपके हिसाब से यात्रा में क्या कुछ उपलब्धियां रही है और क्या कुछ यात्रा ने पाया है जिस उद्देश्य के साथ चला था? नहीं, जो भी उद्देश्य से हम ये यात्रा शुरू किया है वही उद्देश्य से चल रहे हैं और रोज बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स भी आ रहा है हमको हर एक स्टेट से। अभी 5 स्टेट्स हुआ है तो ये 5 स्टेट्स में भी बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। आप यहीं से हैं, हैदराबाद से? हमें है तेलंगाना से। तेलंगाना से, तो तेलंगाना में लोगों के मन में किस तरह का मोहब्बत, ऊर्जा या कांग्रेस के प्रति प्यार है लोगों के मन में? आप देख सकते हो अभी जो 3-4 दिन से जो यात्रा हो रहा है, आप लोगों को देख सकते हो कितना प्यार से, कितना सपोर्ट करने के लिए दूसरे बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट से, खम्मम डिस्ट्रिक्ट से, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो कॉज है उसको सपोर्ट करने के लिए ही आया है तेलंगाना के। तो बढ़िया लग रहा है यात्रा में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों का कितना प्यार मिल रहा है आप लोगों को? वोट तो नहीं मिला, प्यार मिल रहा है कि नहीं? ये हम ये वोट नोट के लिए ये सब के लिए नहीं कर रहे, हम एक कॉज के लिए कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें वो कॉज के लिए जितना सपोर्ट चाहिए उससे ज्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है हमको। एक और साथी है राशिद इकमाल जी, तो ये बताइए कि यात्रा में आप चल रहे हैं तो यात्रा की क्या कुछ उपलब्धि आपको सामने दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें इस देश को बांटने का एक मुहिम चलाई है, एक कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी और कई सारे साथी, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट यात्रीज हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो ये आइडियोलॉग हैं, ये जो एक सेकुलर, सिंक्रेटिक, मल्टीकल्चरल, प्लूरलिस्टिक आइडियोलॉग हैं वो इकट्ठा हुए हैं इस देश को बचाने के लिए और इस देश को जो एक अखंडित की तरफ लेके जाया जा रहा है उसको कैसे हम लोग एक यूनाइट करेंगे, उसके लिए सबसे बड़ा चिंता है। अच्छा, राहुल जी क्या इनसे जितना चुके, अब लगातार हर बार जब मुद्दे उठते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात उठ जाती है, ज्ञानवापी उठ जाता है, बाबरी उठ जाता है, तो अब क्या लगता है कि 2022 में गांधी जी का 100 साल पुराना चीज जो है फिर से काम करेगा? हम गांधीयन नेहरूवियन फिलॉसफी पे पूरा यकीन करते हैं और इस देश की जनता पूरी तरीके से सहमत है कि यही एक आइडियोलॉजी है जो इस देश को आगे लेके जा सकती है। और राहुल गांधी जी का यही कहना है कि हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना ठीक नहीं है, तो हम इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की जो हालात है
उस हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा का एक उद्देश्य जो है उसको लेके आया गया है, और सब सब लोगों को साथ लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके के तरीके से मोहब्बत से प्यार से राहुल गांधी जी सिक्योरिटी को को मतलब जो है इतना ज़्यादा अहमियत ना देते हुए हर लोगों से मिल रहे हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी से मणिपुर से नागालैंड से बंगाल से उड़ीसा से मतलब कौन से ऐसे जगह से लोग नहीं आकर के यात्रा में जुड़ रहे हैं मुझे बता दीजिए। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग बेहद अच्छी तरीके से जानेंगे, वो एक अलग बात है कि नेशनल पत्रकार जो हैं वो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन जो असल देश को बचाने का जो कॉज है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लेके जा रहे हैं। ये यात्रा चल रहा है, सब आपका कहना ठीक है कि आप वोट के लिए नहीं कर रहे, मगर मेन मोटिव तो ये होना चाहिए ना कि आप जो वादे कर रहे हैं उसमें सरकार नहीं आएगी तो आप वादे पूरा कैसे करेंगे, फिर तो वही बात हो जाएगी बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखिए सर, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जनता जनार्दन जो है ना ये सारी चीजें तय करती है, ये तय लीडर नहीं करता है कि किसको जीतना है, किसको सिस्टम में आना है, किसको गवर्नमेंट चलाना है, कौन सा गवर्नेंस अच्छा है कौन सा गवर्नेंस खराब है। सत्ता में लाने वाला जो एलिमेंट है वो पब्लिक है, तो पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है, पब्लिक है सब कुछ जानती है। तो एक और साथी है आप, विकास जी ये बताइए कहाँ से आते हैं आप? मैं आसाम से आया हूँ। तो विकास जी आसाम से इतना दूर राहुल जी की यात्रा में चल रहा है, तो कितना खुशी है कितनी निराशा है? अच्छा, निराशा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन से हम ये शुरुआत किया है कन्याकुमारी से, इतने भारी संख्या से लोग जुड़ रहा है, बहुत आशा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है कि राहुल गांधी का जो आदर्श है, जो भावधारा है, विचारधारा जो है, उस विचारधारा में लोग जुड़ रहा है। आप आसाम से आ रहे हैं और आसाम 2019 के बाद नफरत का एक नया केंद्र बन गया है हिमंता बिस्वा शर्मा के, इसमें लगातार हिंदू मुसलमान की चीज लग रही, तो क्या लग रहा है कि ये चीजें जो है किस तरह से कम होगी, और जिस तरह से आसाम में मान लीजिए राहुल जी अगर दूसरी यात्रा करते बंगाल आसाम वगैरह, तो क्या राहुल जी के इस मिशन में आसाम कितना योगदान करेगा? अच्छा, आसाम में तो आज से शुरू हो गया है भारत जोड़ो यात्रा, आसाम का जो पीसीसी लोग है आज से शुरुआत कर रहा है, जो हमारा नेशनल जो लीडर्स है, हमारा आसाम का जो इंचार्ज है भवर जितेंद्र सिंह जी वहाँ पे मौजूद है, तो आसाम में भी यही है, जो देश में अभी बिखरे हुए हैं, जो हमारे हिंदू मुस्लिम के जो नफरत जो इसमें बढ़ा गया है उसको जोड़ने के लिए फिर से जो हमारा जो राहुल जी ने कोशिश किया आसाम में भी जारी हो गया है। कबीर भाई है, आप कहाँ से हैं? मैं मणिपुर से, मेरा भाई। अच्छा, मणिपुर से। तो कबीर जी ये बताइए कि मणिपुर से आए हैं तो यात्रा कितना सक्सेस हो रहा है, 55 दिन हो गए यात्रा? यात्रा बहुत सक्सेस हो रहा है। हम यात्रा इस यात्रा में बहुत सीखने के लिए मिला है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर, अलग अलग उन लोग का नियम और लोगों को देख के बहुत खुशी हो रहा है, और देख लो हर मजदूरी गरीबी हम सब देश को देखने मिल रहा है इस यात्रा के थ्रू से। तो यात्रा की जो असल तस्वीर है वो सामने आ गई? हाँ, आ गया। जो हिंदुस्तान की तस्वीर गरीबी वाली थी वो सब दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, देख रहा है गरीबी। अच्छा, 2024 में क्या ये गरीबी खत्म होगी अगर सत्ता में वापसी होती है सरकार की? कांग्रेस की समय में हम गरीबी हटाने के लिए बहुत कोशिश किया है और सक्सेस भी हुआ है और जारी रखा है, और अभी और गरीबी बढ़ गया बीजेपी की समय में, और देख लो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा लगाते रहता है देश, अभी क्या हो गया, अलग अलग हो गया देश में, चाहिए कश्मीर हो चाहिए कन्याकुमारी हो गुजरात हो नोटिस हो, सब जगह में अलग माहौल पैदा करने के लिए बीजेपी ने दिखा रहा है, बस पॉलिटिकल फायदा के लिए, पॉलिटिकल फायदा के लिए, उसको कैसे हम हटाना है और लोग एकता बन के देश के लिए रक्षा करना है, देश को आगे बढ़ना है और देश की जान देना है, और हम जितना हो सकता है हम कोशिश करेगा कि भारत जोड़ने के लिए। एक और साथी है नजम जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश से आते हैं आजमगढ़ से, तो अभी यात्रा में 55 दिन से आप भी चल रहे हैं, तो कितना कुछ मिल गया इस यात्रा को और कितना जो है खुशी है, क्योंकि जो मकसद लेके उद्देश्य लेके चले कि नफरत खत्म करना, तो नफरत खत्म हुआ भी कि बस हवा हवाई रह गई बात? नहीं, देखिए नफरत राहुल जी का एक सोच थी कि देश में जो नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल और घृणा का माहौल वर्तमान सरकार में बैठे लोग सत्ताधारी लोगों द्वारा बनवाया जा रहा है सिर्फ वोट के लिए कि लोगों को बांटेंगे तो हम राज करेंगे, तो राहुल जी ने जो उनके पुरखे उनके पुरखों द्वारा इस देश को पूर्वजों ने जो किया था
जो देश को जमीन से आसमान तक लेके आए थे, लोगों को गरीबी से निकाला था। तो जो भी कोई भी आदमी हो, अगर उनके परिवार के लोग हैं, राहुल जी हैं जैसे, तो उनको दर्द होता है कि ये हमारे देश में जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब थी, वो कहीं ना कहीं हम उसको छिन भिन कर रहे हैं। तो उनको दर्द हुआ और उन्होंने सोचा कि हम कुछ इस तरह से पदयात्रा करें ताकि देश के लोगों को जागरूक किया जा सके कि ये ठीक नहीं। उसमें बिल्कुल सक्सेस हैं, तरह तरह के तमाम जाति धर्म के लोग बिना किसी उसके जो है डेली यात्रा में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और वो बताते हैं कि यार 2014 के बाद जिस तरह से देश का माहौल बिगड़ा है या बिगाड़ा जा रहा है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। अगर हम देश की तरक्की तभी हो सकती है जब देश में अमन अमान रहेगा। यासा दून वैसी का लोकसभा क्षेत्र है, तो वैसी साहब मुस्लिम लीडर, आप भी मुसलमान, तो राहुल गांधी क्यों फिर आसा साहब? मुस्लिम लीडर कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि लीडर सबका होता है। मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं लीडर, मैं राजनीति में हूँ, अगर मैं लीडर होता हूँ या विधायक बनता हूँ, MP बनता हूँ, तो हमारे लिए सारे लोग, सारी आवाम, हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, देश की है, देश स्तर पे काम करना, तो हर आवाम हमारा अपना है, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। मैं चार मीनार पे खड़ा हूँ और वो असदुद्दीन ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं भाषण में, लेकिन उनकी सरकार है, उनकी समर्थन की सरकार है, TRS की सरकार है। और KCR साहब को भी बताना चाहता हूँ कि ये चार मीनार देश से, देश की धरोहर है, और देश से लाखों करोड़ों लोग डेली यहाँ देखने आते हैं। और इसकी हालात देख लीजिए, काइयां लगी हुई हैं, इससे आमदनी आती है सरकार को। और ये काइयां लगी हुई हैं, ऊपर गुंबद काले हैं, और सफाई की स्थिति देख रहे हैं, एरिया जैसा पहले था वैसे ही आज भी है। अच्छा, तो नहीं है कोई बदलाव नहीं, इसको तो और डेवलप करना चाहिए था ना। 2024 में बदलेगा हिंदुस्तान, बदलेगी सरकार, जरूर बदलेगा हिंदुस्तान, और बदलेगा, बदलेगी सरकार, जरूर बदलेगी, क्योंकि देश की जनता तराईमाम है इस सरकार से। हर बेरोजगार परेशान है, रोजगार वाला अलग परेशान है, लोगों को जो है शादी किया हुआ वो भी परेशान है, जो कुंवारे वो भी परेशान है। नहीं, शादी शुदा तो परेशान ही है, कुंवारे और परेशान है, क्योंकि वो अब क्या मैं बताऊं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।